बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अलीगढ़ कोल विधानसभा क्षेत्र के गांव जल्लूपुर सीहोर में आज कोल विधायक अनिल पराशर एक सड़क का लोकार्पण करने गए थे। तभी गांव के जिस रास्ते से विधायक जी निकले, गांव का वही रास्ता कीचड़ व पानी से लबालब दिखा। तभी विधायक जी ने सड़क के किनारे खाली पड़े प्लॉट के ऊपर चढ़कर अपना रास्ता क्रॉस किया। तभी गांव वालों ने बताया कि जब विधायक जी ही ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं, ग्रामीण क्या करे। अभी कुछ दिन पहले गांव जल्लूपुर सीहोर में डेंगू का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसको लेकर गांव वालों ने विधायक जी से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक साफ सफाई का कोई ध्यान विधायक जी ने नहीं दिया है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों में कोल विधायक अनिल पराशर के खिलाफ गांव की जनता काफी नाराज नजर आई। अभी कुछ दिन पहले गांव जल्लूपुर सीहोर में डेंगू के प्रकोप के चलते 28 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन तब भी विधायक जी के कान पर जू नहीं रहती। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक जी को कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज तक शमशान घाट जाने के लिए रास्ता तक नहीं बना है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। नाम है तुम्हारा? गांव कौन सा है? अच्छा, क्या परेशानी है ये? क्या गांव का पाई चल रहा है, प्रधान ने कर दिया। प्रधान ने कर दिया है तो किसका खेत है ये? तुम्हारा खेत है ना? कितना बीघा है? तो विधायक जी वगैरह को आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ, क्या क्या बताया विधायक जी ने? खाते पैसा है मेरी में, एक बार बोलो हमने। अच्छा, खाते पैसे से इसका क्या मतलब है खेत का? प्रधान ने क्या प्रधान ने सुन तो क्या? अच्छा, तो विधायक जी ने भी नहीं सुना। एप्लीकेशन कितनी बार दे दी होगी समथिंग तुमने? समथिंग मेरी पूरी कम 10 बार पहुँच जाती। अच्छा, तो ये खेत कहाँ से आ रहा है तुम्हारा गांव? पानी कहाँ से आ रहा है? पूरे गांव का पानी आ रहा है। पूरे गांव का पानी आपके खेत में आ रहा है? कितने सालों से आ रहा है ये? 10-12 साल। 12 साल से? लेकिन किसी ने सुनी नहीं 12 साल से अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश सर। अच्छा, आज ये गांव में विधायक जी आ रहे हैं, किसका शिलान्यास करेंगे आगे? अच्छा, इसे देखने आ रहे हैं सर। अच्छा, ये गांव में जैसे पानी, गांव में घुसते ही पानी भरा हुआ है, इसकी विधायक जी शिकायत करी है आपने? जी, तो विधायक जी ने सुना नहीं आपकी? तो आज शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन तो जनता ने विरोध नहीं किया इस बात का? अच्छा अच्छा, तो लेकिन आपके तुम किसको विधायक बनाना चाहोगे फिर दोबारा? जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने विकास नहीं कराया है, लेकिन फिर अब क्या मन में है आपके कि बीजेपी का ही विधायक बने? अच्छा, काम तो होना चाहिए सर, जैसे खेत में इनका खेत का पानी बंद होना चाहिए। गांव कौन सा है? गांव जल्लूपुर से हो रहा है सर। जल्लूपुर से हो? हाँ। कौन से विधायक जी आते हैं यहाँ? हमारे यहाँ के अनिल पारा सर जी। अनिल पारा सर जी, तो आपने कितनी बार शिकायत करी है? दस बार एप्लीकेशन दे दी सर। अच्छा, पानी खेत का बंद नहीं हुआ आज तक? आज तक बंद नहीं हुआ। प्रधान जी से भी शिकायत करी है जी। सर रोड भी है, रोड फोड़ना, रास्ता बनी है जी सर जी। विधायक जी रास्ता बनवा रहे हैं, जो मेरा रास्ता है वो बननी चाहिए सर। अच्छा, तो विधायक जी के संतुष्ट नहीं हो काम से? ना ना जी। अच्छा अच्छा, पानी का निकास नहीं है आपका और कुछ नहीं है? सड़क बनवा दी लेकिन सड़क? ना ना ना, असली सड़क बननी है वो तो बनी ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा आज गांव में कौन आ रहा है? अनिल पारा जी। क्या करने आ रहे हैं गांव में? ये रास्ता का प्रस्ताव पास करने आ रहे हैं। अच्छा, रास्ता कुछ मतलब ये रास्ता जो बाकी बची हुई है, हाँ हाँ, इनको पास करा दें तो बहुत अच्छी मतलब वो है। अच्छा हाँ, तो अच्छी बात है, जो रास्ता बाकी रही है। अच्छा, चलो सर करा दें तो अच्छी बात है, उनको मतलब दिखाई। लेकिन जैसे मेन रास्ता है, इस पे पानी भरा हुआ है, इसकी क्या है फिर? ये रास्ता बन गई लेकिन रास्ते में पानी भरा हुआ है? बनी नहीं है, कुछ रह गई है मतलब, बाकी रह गई मतलब। अच्छा, जो मतलब ये पास करा दें तो अच्छी बात है, लेकिन पानी भरा हुआ है, इसमें से आप निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे तो फिर इसका निकल जाते हैं हमें तो। अच्छा, दिखा भी दिया है तो क्या कहना है इस बात पर आपका, कि बननी चाहिए जी?